स्पेशल कोर्ट ने एक दिन पहले ही दो कथित जो मुलजिम है, जिन पर इल्ज़ाम है, उन्हें जमानत दी। कल तीन लोगों की जमानत हो गई और हमें लगता है जमानत तो जिन धाराओं को लेके केस बनाया गया था उसे किला कोर्ट में ही जमानत दे देनी चाहिए थी, लेकिन एनसीबी अलग अलग दलीलें हर बार पेश करने का काम करती है, केस को उलझाने का काम करती है, झूठी बातें करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहें, ये इनका पहली बार नहीं हमेशा का प्रयास रहा है, खास करके वानखेड़े के आने के बाद। हमें लगता है बेल मिली है, लोग अगर ढंग से चीज़ों को करेंगे तो ये मामला ही पूरी तरह से निरस्त हो सकता है। हाईकोर्ट में अगर लोग जाएंगे तो हमें लगता है लोग जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इस एक महीने के भीतर लगभग जो चीज़ें बदल रही हैं, हर दिन नई नई चीज़ें, हमें लगता है वानखेड़े साहब ने सारा हथकंडा अपना लिया। पहले लोगों को कहने लगे कि मेरे परिवार के लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, मेरी मरी हुई माँ को घसीटा जा रहा है। मैंने कभी भी उनकी माताश्री, उनका ना नाम लिया, ना कभी सार्वजनिक रूप से उन पर कोई उंगली उठाई। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट डाला था उसमें दाऊद वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, इतना ही मैंने कहा था। मैंने उनकी बहन को लेके इसलिए सवाल खड़े किए थे क्योंकि बहुत सारा फ्लेचर पटेल के लेडी डाउन कहने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी के खिलाफ आज तक जो पहली पत्नी है उसकी तस्वीर हमने डाली, लोगों ने सवाल पूछा कि ये तस्वीर क्यों डाली है। कहीं से मुझे 2 बजे रात में वो तस्वीर भेजी गई और उसमें मैसेज आया कि जिसकी तस्वीर है उसकी इच्छा है कि ये तस्वीर आप सार्वजनिक करें, इसलिए मैंने तस्वीर डाली। लेकिन उनकी जो अभी पत्नी है उनके विषय में ना मैंने कभी उनका नाम लिया या उनके बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। हमें लगता है कि लड़ाई ये किसी के परिवार से नहीं, किसी के धर्म को लेके नहीं, मेरी लड़ाई सीधी है जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ है। आज भी मुंबई के जेलों में 100 से अधिक लोग बेगुनाह ये बंद हैं जिन्हें नाजायज़ तरीके से फंसाया गया। अब स्पेशल 26 वाला एक खत हमने डीजी एनसीबी को लिखा था। पहले ये कहा गया कि हम इसकी जांच करेंगे, दखल लेंगे, फिर ये खबरें आ गई कि जिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है उसने अपना नाम नहीं कहा है। हाँ, हमें जानकारी है, हम राजनीति में हैं, मंत्री कई बार रह चुके हैं, कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक आदेश है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है तो ऐसे कंप्लेंट्स का कोई दखल लेने की ज़रूरत नहीं। हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से 26 मामलों का जिक्र हुआ है, उस 26 मामलों में आप जांच करें हम मांग करते हैं, क्योंकि जो 22 नंबर पे एक मामला उस खत में लिखा था जिसमें एक नाइजीरियन को बेगुनाह तरीके से खारघर में फंसाया गया और उसमें जो विटनेस है उस विटनेस कांबड़े ने कई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा और सारी घटना बताई कि मेरे ही मुखबिरी पे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोगों ने छापेमारी की थी, लेकिन जो नाइजीरियन ड्रग पेडलर था वो भाग गया। उसके बाद उससे कहा गया कि यहाँ नाइजीरियन लोग कहाँ रहते हैं, सभी नाइजीरिया के लोग इस देश में ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ये किसी की समझ होगी तो गलत है, गरीब देश है, कुछ ड्रग बेचते होंगे, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए।
लेकिन नाइजीरिया के नागरिक बड़े पैमाने पे भारत में जो कपड़े हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उसको यहाँ से खरीद के अपने देश में भेज के उसका भी कारोबार बड़े पैमाने पे करते हैं। घर घर में एक उनका किचन है, जैसा कि कामड़े ने कहा, ये सब लोग वहाँ पे गए। वहाँ डीवीआर था, उस डीवीआर को तोड़ दिया। वहाँ से एक बच्चा और एक नाइजीरियन को साथ में ले आए, जिसकी उम्र कम थी उसे छोड़ दिया गया, और उस नाइजीरियन को जाली केस में, फर्जी केस में, फर्जीवाड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और उसी जो उनका पंच है, विटनेस है, उसने कहा है कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी है और उससे ब्लैंक पेपर पे साइन लेने का काम एनसीबी के अधिकारियों ने कहा और उससे